यानी इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही, बट विजुलाइज दी मैथमेटिक्स। इतना मैथमेटिक्स आप अभी तक पढ़ते आए हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में, लेकिन अभी तक शायद आपने उसे विजुलाइज नहीं किया होगा कि हम उस मैथमेटिक्स को आसपास कैसे देखते हैं। तो हम इस लेक्चर में यही समझेंगे सबसे पहले। लेकिन स्टार्ट करता हूं यहाँ से, जो हमारी एजुकेशन प्रोसेस है, दिस इज वर्ड लेवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, जो वर्ड लेवल का होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा, दिस इज द सिक्स स्टेप्स, रिकॉल, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड देन क्रिएट। किसी भी लेक्चर में, यू हैव एनी लेक्चर, देन फर्स्ट रिकॉल एंड देन अंडरस्टैंड। जो भी आपने इससे पहले पढ़ा है उसको आपको रिकॉल करना होता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसको समझना होता है, और जब ये दोनों स्टेज कवर हो जाएं तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। देन अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। यदि आप क्रिएशन तक जाते हैं, रिकॉल करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, अप्लाई करते हुए, देन तब तो आप कह सकते हैं कि पढ़ने का कोई फायदा है। अदरवाइज जो भी आप पढ़ रहे हैं आपके लिए नथिंग है, बेकार है, उसको पढ़ना फिर आपके लिए यूजफुल नहीं है। यानी जब भी आप कोई भी लेक्चर सुने, वो कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, उसमें जब ये छह स्टेज आप देखेंगे तभी ये समझ पाते हैं कि हाँ ये ठीक है, हमने ये चीज समझ ली है और हम क्रिएशन तक जा रहे हैं। जैसे ही आप बीटेक को कंप्लीट करेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि पूरे 4 ईयर के अंदर इन सब चीजों को आप कवर करने वाले हैं। यही हमारा वर्ड लेवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट इससे आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंटेशन, डिवाइड इन टू पार्ट्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी ऑलरेडी यू आर अवेयर, अच्छे से आप समझ चुके हैं, 11th 12th क्लास से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज आप उसे विजुलाइज करेंगे। आई होप यू आर एंजॉय दिस लेक्चर। और स्टूडेंट ये थ्योरम भी आप ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ चुके, लेकिन इसको भी आज कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा, कैसे क्रिएशन तक लेके जाना है, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। रॉल्स की थ्योरम है, आप पढ़ चुके हैं, तीन थ्योरम एक साथ आपने पढ़ी थी। वैसे तो मैं तीनों को ही यहाँ डिस्कस कर सकता था एक ही व्हीकल इंजिन के ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने ये विचार किया है कि समय थोड़ा है तो उसको ध्यान में रखते हुए केवल रॉल्स थ्योरम को ही यहाँ पर मैं आपके सामने रखूंगा। एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम आईसी इंजन तक जाएगा, यानी व्हीकल इंजन में कैसे उसको यूज किया जाता है वहां तक जाएगा। उसका कैसे डेटा का एनालिसिस होता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, पाइथन, चूंकि सीएस और आईटी के आप स्टूडेंट हैं तो इसीलिए जो भी सीएस का स्टूडेंट होता है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टूडेंट होता है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डेटा साइंस का है, कोई भी स्टूडेंट आपका है, उसका इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और कुछ फिर मैं फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग पर बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट देखता है कि मैंने घर में एक कंप्यूटर, एक सिस्टम को देखा, तो फादर और मदर के मन में भी ये बात आने लग जाती है कि जैसे ही कंप्यूटर या फोन पर स्टूडेंट काम करे तो मुझे इसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए यूजफुल है, किस बात पर भी हम फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? Because the calculus is the important part. You are aware already in 11th and 12th class. You are already read differentiation and integration. But you know history of calculus. Calculus is the branch of mathematics which deal with change. यानी जो calculus है वो एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है चेंज के साथ, चेंज इन एवरीवेयर अराउंड अस, यानी मेरे आसपास जितना भी चेंज होने वाला है उस सभी को स्टडी करवाएगा। यानी अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, तो कैलकुलस एक स्टडी करवाता है, एक स्टडी कराता है चेंज करने के लिए। चेंज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला, इफ वी डिफरेंशिएट देन वाई इक्वल्स टू टू एक्स इज अ लाइन, यानी स्टेट चेंज हो गई है, पैराबोला से हम स्ट्रेट लाइन पे आ गए। और अगर मैं y equals to f, y equals to x, we have a straight line and then integrate, then get the parabola,
यानी स्ट्रेट लाइन से मैं पैराबोला में कन्वर्ट हो गया हूँ। तो पैराबोला से स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन से पैराबोला, ये जो हम चेंज कर रहे हैं उसकी स्टेट को, इसे हम कैलकुलस कहते हैं। यानी इसके दो पार्ट होते हैं, दो मैथमेटिकल टूल हैं, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाज डेवलप्ड बाय लेबनीज फ्रॉम 1646 टू 1716। इसका जो डेवलप है वो लेबनीज ने किया और इन्हीं के साथ मिलकर के काम किया है न्यूटन ने फ्रॉम 1643 to 1726। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। जैसा हमने बात की कि एवरी ईयर चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो वी टेक वी कंसीडर डेटा इन योर मोबाइल फोन ऑलवेज इंक्रीज, डेटा इन योर कंप्यूटर ऑलवेज इंक्रीज, एज ऑफ द मैन, हाइट ऑफ द बॉयज, हाइट ऑफ द गर्ल्स, तो एवरीथिंग इन चेंज। यानी हर जगह पे चेंजेज आ रही है, तो जो भी ये चेंज है इसी को हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। बट स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन पहले भी आपने सुना है, समझा है कि डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हमें फंक्शन को फंक्शन की कंटिन्यूटी और उसकी लिमिट को समझना होगा। यानी दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो लिमिट है। पहले हमें लिमिट पे जाना होगा, फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना होगा कि फंक्शन हैव अ लिमिट एंड देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन मे बी डिफरेंशिएबल, यानी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी तक, डिफरेंशिएशन तक जाने के लिए सबसे पहले मुझे लिमिट का जानना जरूरी है, लिमिट को समझना जरूरी है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, तो मैंने आपसे बात की कि एवरीवेयर इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें पॉपुलेशन एक मॉडल मैंने तैयार किया है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि रैबिट की जो पॉपुलेशन है ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जैसे दो टू रैबिट्स हैव आफ्टर थ्री डेज, फोर रैबिट आफ्टर थ्री मंथ, 10 rabbits and increase simultaneously, then we have a graph in population of the rabbit and number of years. यानी जैसे जैसे year बढ़ता जा रहा है population of rabbit बढ़ती जा रही है। अगर इसी को हम देखें mathematical term में तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, if we have the population of the rabbit is n at a time, then the growth rate is r, then population increase dn upon dt, then the equation of dn upon dt equals to rn. यानी कि this is the differentiation या rate of change, but rate of change की भी बात करेंगे, क्योंकि differentiation की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो केवल हम ये देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है, उससे पहले हमें limit और continuity पर जाना पड़ेगा। तो student, concept of limit, limit क्या है? तो limit को समझते हैं। limit of the function is the fundamental concept, ये एक basic concept है, fundamental concept है कैलकुलस का भी और एनालिसिस का भी, यानी दोनों में ही हम इसे यूज करते हैं, कैलकुलस में भी यूज करते हैं, एनालिसिस में भी यूज करते हैं, रिलेटिंग टू द बिहेवियर नियर ए पर्टिकुलर पॉइंट। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर उसका बिहेवियर चेक किया जाता है, उसका रिलेशन उससे होता है, इसे हम लिमिट कहते हैं। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अगर हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझें, तो वी हैव थ्री सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, वी हैव थ्री सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस एंड draw the polygon inside the circle. Circle के अंदर मैंने कुछ polygon को draw करना start किया। पहले circle में मैंने देखा एक triangle है, दूसरे circle में मैंने draw किया एक pentagon है। जैसे जैसे मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा, octagon तक जाऊंगा या उससे आगे आगे जैसे मैं बढ़ता जाऊं, तो जो मेरे polygon है, polygon का जो area है वो approximate equal to area of the circle, यानी उसके circle के area के equal हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, द एरिया ऑफ द पॉलीगन इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्किल बट एप्रोक्सीमेटली और व्हेन एन टेंस टू इनफिनिटी। यानी नंबर ऑफ जो पॉलीगन की साइड्स हैं, यदि मैं उनको इंक्रीज कर दूं एन टेंस टू इनफिनिटी तक, देन द एरिया ऑफ द पॉलीगन इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्किल। यानी दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझा। अब लिमिट आ कैसे रही है उसको समझते हैं। डेफिनेशन बेसिकली क्या है उसको समझते हैं। When the limit x tends to a, fx equals to l is always finite and unique. इसको कैसे समझते हैं? एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अगर मैं जो पॉलीगन की साइड है उसको x कहूं, क्योंकि वो बार बार वेरिएशन हो रही है, वेरी कर रहा है, और जो सर्किल की साइड है उसको a कहूं, तो वो उसकी तरफ टेंस करता जा रहा है। जैसे ही उसकी तरफ टेंस करेगा तो जो fx फंक्शन है वो l में कन्वर्ट हो जाता है। This is the finite and unique. तो लिमिट होती है always finite होती है and unique होती है।
इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट जैसे आपने लिमिट को समझा, तो क्या लिमिट जैसे आपने एल निकाली, यू आर सेटिस्फाइड कि लिमिट आ गई है? गिव एनी आंसर, एनीवन गिव द आंसर? नो। यानी स्टूडेंट जब हम ये लिमिट निकालते हैं तो यहां पर हमारा जस्टिफिकेशन अभी नहीं हो रहा है कि लिमिट सही आ रही है, तो उसके लिए हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। यानी मुझे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट जब इक्वल आती है तभी हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो कैसे, एक एग्जाम्पल पे मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इन टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1, जब आप ये लिमिट निकालते हैं तो ये इक्वल टू 1 आता है, बट इफ टेकिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू माइनस 1 एंड द राइट हैंड लिमिट ऑलवेज 1। तो यहां पे हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं आई, बट हमने तो लिमिट की डेफिनेशन से वहां समझ लिया था कि वो तो l आ गई है, लिमिट मिल गई है। यानी लिमिट वो निकाल तो देगा बट उसका जस्टिफिकेशन होना भी जरूरी है, इसीलिए हम यहां तक आए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑलवेज इक्वल, जब ये इक्वल होती है तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमने 11 12 क्लास में इसको समझ लिया था और यहीं से हमने करना शुरू किया, लेकिन ये नहीं जाना कि लिमिट के बाद ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो उसका ये जस्टिफिकेशन है। स्टूडेंट आगे हम चलें तो थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक बॉर्डर है और बॉर्डर के आउटसाइड अदर कंट्रीज हैं, तो अदर कंट्रीज में जितनी भी कंट्री हैं उनका भी एक बॉर्डर है और जो हमारी कंट्री इंडिया है हैव ए बॉर्डर, तो दिस इज द लिमिट ऑफ द इंडिया, यानी इंडियन बॉर्डर की ये एक लिमिट है और ये अदर जो अदर कंट्री है उनके लिए भी लिमिट है और जो हमारी कंट्री है वो उसके लिए भी लिमिट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कंटिन्यू प्रोसेस में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया हमने, 12th क्लास में भी पढ़ा है, कैसे समझा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आनी चाहिए, दोनों पहले बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। देन आफ्टर एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन की जो मेन वैल्यू है उस पॉइंट के ऊपर अगर उसको भी कैलकुलेट करें और वो एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, यानी तीनों आपस में बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की मेन वैल्यू इक्वल और 3, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का अगर एग्जाम्पल देखें, उसको विजुलाइज करें, क्वेश्चन आपने किए हैं इसके ऊपर, लेकिन अगर उसको विजुलाइज करें, दिस इज दी हाईवे, अगर आप इस हाईवे को देखें दिस इज कंटिन्यू, तो कंटिन्यूअस एक फंक्शन है इसका, लेकिन अदर पिक्चर में अगर आप देखें तो ए ब्रिज वो बीच में से कटा हुआ है, यानी बीच में गैप है उसके, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज डिसकंटिन्यूअस। बट अगर एक और पिक्चर में आप देखें तो दिस इज द रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक में जब भी जो रेलवे ट्रैक होता है बीच में एक गैप रखा जाता है, यानी जब आपका फंक्शन दो इंटरवल के बीच में लाई करता है, जैसे x लाई 0 टू 1 एंड अदर फंक्शन x लाई 1 टू 2, तो जैसे आप इसमें चेक करते हैं तो उसकी भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो उसके लिए जो फंक्शन आपके पास बनता है उसको जब आप चेक करेंगे तो रेलवे ट्रैक में आप देखिए गैप होने के बाद भी फंक्शन कंटिन्यूअस ही होता है, मतलब रेलवे ट्रैक बीच में से ब्रेक नहीं होता फिर भी कंटिन्यूअस ही होता है, दिस इज पीस वाइज कंटिन्यूअस, तो इसको हम पीस वाइज कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स को विजुलाइज करते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है वो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द है, बस हमें उसको जानने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? लेट y इक्वल्स टू fx इज ए फंक्शन, इफ x प्लस h इज द स्मॉल चेंज इन x, अगर x में स्मॉल चेंज है देन कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y इज f ऑफ x प्लस h। आप इसको जानते हैं ऑलरेडी कि जब फंक्शन में इस तरीके से कोई चेंज होता है तो तभी हमें डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसको हम देखें तो इस फिगर में आप देखिए ध्यान से, x और f ऑफ x, x प्लस h, f ऑफ x प्लस h में एक फंक्शन y इक्वल्स टू fx है जिसके बीच का जो इंटरवल है इंटरवल इज h, तो उसमें मैंने एक ग्राफ दिखाया है ऐसे कि कर्व कुछ इस तरीके से है। थोड़ा आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगर देखें तो आई ड्रॉ दी सेकंड लाइन फ्रॉम x fx टू x प्लस h टू f ऑफ x प्लस h, यानी वहां पर एक सेकंड लाइन ड्रॉ की गई है, इफ द गैप बिटवीन x एंड x प्लस h इज h
and s tends to 0. If s tends to 0, then we have h tends to 0. If h agar 0 ko tends karta hai, the second line convert to the tangent. जो सेकंड वाली लाइन होती है जिसको आप सेकंड लाइन कह रहे थे जो आपने ड्रॉ की थी दो पॉइंट पे, तो वो लाइन टेंजेंट का काम कर देती है, यानी सेकंड लाइन इक्वल टू टेंजेंट हो जाती है, लेकिन वो तब होती है व्हेन s टेंड्स टू 0. इफ s टेंड्स टू 0 देन सेकंड लाइन इक्वल टू टेंजेंट. तो बाय द मैथमेटिकल डेफिनेशन स्लोप ऑफ द सेकंड इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. स्लोप ऑफ द सेकंड इक्वल्स टू चेंज इन y upon change in x, then f of x plus h minus fx upon x plus h minus x. If h is very small, then s tends to 0. Agar s tends to 0, to limit s tends to 0, f of x plus h minus fx upon h equals to slope of the tangent. Yani yahi aapka differentiation hai jise aap first principle kehte hain, dy upon dx equals to, yani y ka change x ke respect mein, this is the differentiation. इसी का नाम आपने रखा है फर्स्ट प्रिंसिपल. और जब हमने इसकी डेफिनेशन को स्टार्टिंग में समझा तो टीचर ने यहां से हमारा स्टार्ट किया, डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज. यानी रेट ऑफ चेंज दो वर्ड से मिलके बना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए. रेट ऑफ चेंज यानी रेट की मैं बात करूं, पहले चेंज की बात करता हूं. चेंज इन y एंड चेंज इन x यानी दोनों वेरिएबल में चेंज है, और रेट का मतलब होता है रेशियो यानी अनुपात, यानी दोनों को डिवाइड भी कर दिया गया है. दिस इज द रेट ऑफ चेंज. तो स्लोप ऑफ द सेकंड से टेंजेंट कैसे बनी, जब s टेंड्स टू 0 हुआ, यानी वो सेकंड टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड. क्योंकि हमने बात कर ली है आपसे डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हुए रेट ऑफ चेंज की हम बात कर रहे हैं. तो मान लीजिए मेरे पास एक लंग्स की ये फिगर है मैंने जो रखी है आपके सामने. इस लंग्स में एक ट्यूमर बन गया है, ट्यूमर जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ ट्यूमर. जब ये ट्यूमर बनता है तो ट्यूमर एक दिन में नहीं बन जाता, ट्यूमर इंक्रीज करता है धीरे धीरे, या तो अगर मेडिसिन स्टार्ट हो जाए तो ट्यूमर डिक्रीज हो जाता है धीरे धीरे. यानी जो ट्यूमर है वो कुछ समय के लिए बढ़ता हुआ जा रहा है, या फिर अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्यूमर घटना शुरू हो रहा है, तो ये भी रेट ऑफ चेंज है. यानी इसको अगर मैं देखूं तो डिफरेंशिएशन का कुछ इस तरीके से आ रहा है. द रेट ऑफ चेंज dt, t मैंने ट्यूमर को कहा है कैपिटल t, और स्मॉल t टाइम कंसीडर किया है, यानी dt upon dt of the tumor is increase or decrease, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. और किस तरीके से हो रहा है कि dt upon dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ट्यूमर. यानी मेडिकल फील्ड में भी हम ये देख सकते हैं कि कंटिन्यू चूंकि चेंजेज आ रही हैं और उसमें रेट ऑफ चेंज आ रहा है, तो इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. अब अगर हमें इनके टाइम कैलकुलेट करना है तो पहले हमें उस टूल पर जाना पड़ेगा जो इनको सॉल्व कर सकता है. यानी इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, बट मैं आज इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल डिफरेंशिएशन पर बात कर रहा हूँ, इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन तक लाके छोड़ रहा हूँ. आगे हम कभी भी बात करेंगे, पूरा सोल्यूशन देंगे. इस प्रेजेंटेशन में भी एक सोल्यूशन मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बनाया है, उसको भी डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इसको. रियल लाइफ का एप्लीकेशन है, क्रिकेट का, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट. ही मैन इज नो रेस्पॉन्स, सो दे आर म्यूटेड एक्चुअली. स्टूडेंट्स आर म्यूटेड सर, सो सर यू कैन कंटिन्यू. ओके ओके ओके, यस सर. ही इज जसप्रीत बुमराह. द हाइट ऑफ जसप्रीत बुमराह, the height of Jasprit Bumrah is 5 feet 10 inch, and the height and the length of the arm is near about 2 feet. So the ball throw from the height near about 7.10 feet. If again take another example, the man is Glenn McGrath. The height of Glenn McGrath is 6 feet 5 inch, and the length of the arm is near about approximately 2 feet. So the throw the ball from the height 8 foot 5 inch. Yani McGrath ki height, McGrath ki jo ball hoti hai wo sabse jyada height se aa rahi hai than to Bumrah ya any other bowler. Ek aur example lete hain. Is Sachin Tendulkar. The height of Sachin Tendulkar is 5 feet 5 inch,
and the length of the arm is near about 1 feet or approx. So जो टोटल इनकी हाइट हो जाती है वो नियर अबाउट 6 फीट होती है. तो इनकी जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो कम रहती है विद रेस्पेक्ट टू बुमराह एंड ग्लेन मैकग्रा. तो ग्लेन मैकग्रा की अगर बात करें तो मैथमेटिकली कैसे हम इसको देखते हैं उसका मैथमेटिकली रीजन समझते हैं. क्या है ये मैथमेटिकल रीजन, क्योंकि ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैथमेटिकली समझते हैं स्टूडेंट. लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, यानी जब बॉल हाथ में होती है थ्रो करने के लिए तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है. पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड द काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब बॉल टिप करती है पिच के ऊपर तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv2. बट फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन रूल कहता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, यानी दोनों एनर्जी हमेशा इक्वल होती है. अगर इक्वल है तो v square equals to 2gh जाएगा, यानी v equals to square root of 2gh. 2 and g are constant, so v is directly proportional to root h. यानी जैसे जैसे गेंदबाज की हाइट ज्यादा होती चली जाएगी उसकी वेलोसिटी यानी बॉल की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, ऐसा मैथमेटिकली दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी इज v equals to bx upon dt. T is the time and x is the displacement. यानी अगर हम उसकी velocity को देखेंगे तो इस तरीके से हमारे समझ में आ रहा है. But इसमें mathematics को कैसे calculate किया जाए उसको समझना पड़ेगा. जैसे commentator कहते हैं रोहित शर्मा या विराट कोहली के बारे में कहते हैं कि जब रोहित शर्मा hook करते हैं या pull करते हैं तो उनके पास काफी समय रहता है. समय रहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसी height से practice की है और गेंद के time calculate कर रखी है कि इस स्पीड से आने वाली गेंद मेरे पास कितने टाइम में आ जाती है. तो यही उनकी टाइमिंग होती है. कमेंटेटर बार बार में कहते हैं कि गुड टाइमिंग, वेरी गुड टाइमिंग, बेस्ट टाइमिंग. उसका मतलब यही है कि उन्होंने अपने टाइम को अच्छे से कैलकुलेट किया, यानी मुझे इंटीग्रेट करके समझना पड़ेगा कि वहां तक इस स्पीड से अगर आए तो टाइम कितना लगता है आने में. तो उसके लिए या तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा या तो फिर मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस बी एग्जाम्पल, यानी ये भी एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, यानी एवरीवेयर हम देख सकते हैं मैथमेटिक्स यूज हो रहा है. आगे स्टूडेंट चलते हैं इसी क्रम में. टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, पहले लिमिट को समझा, कंटिन्यूटी को समझा और डिफरेंसिबिलिटी को समझा. तो डिफरेंशिएशन के कुछ टाइप्स हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अवेयर हैं इन चीजों से. मैं यहां पर डिफरेंशिएशन जो टाइप्स हैं उसमें डेफिनेशन पर नहीं जा रहा हूं, केवल डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा बट उसको विजुलाइज करवाऊंगा कि कैसे आप उसको देखते हैं डेली लाइफ में, कैसे कहां पे आप यूज करते हैं. तो पहला डिफरेंशिएशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आपने समझा है जब y इक्वल्स टू f x एक फंक्शन होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसी में y उसी में चेंज आता है, उसमें चेंज आने से y में कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज आ जाता है. तो इसका एग्जाम्पल है जैसे आपने अभी देखा था वेलोसिटी, वेलोसिटी का एग्जाम्पल है एक वेरिएबल में चेंज आना, तो डेली लाइफ में यूज होता है. अब यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं. पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन इज डेल z अपॉन डेल x, यानी z इक्वल्स टू f ऑफ xy जे फंक्शन. z हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y. इफ वी फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो देन डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x + h y जे कांस्टेंट f ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय h, यानी y इज कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है. तो स्टूडेंट इसको हम कैसे समझते हैं, यहां पर देखिए आपके सामने एक कार है जो स्विफ्ट है, दूसरी भी एक कार है जो स्विफ्ट डिजायर है. दोनों कार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हाइट में कोई अंतर नहीं है, स्पेस का कोई अंतर नहीं है, उनकी ब्रेथ में कोई डिफरेंस नहीं है. पर डिफरेंस एक छोटा सा डिफरेंस रखा गया है कि जो स्विफ्ट है और स्विफ्ट डिजायर है उसकी डिग्गी को एक्सटेंड किया है. एक्सटेंड करने का मतलब उसको बढ़ा दिया गया है. तो वो जो डिग्गी है वो एक साइड से बढ़ी है, तो उसको एक साइड पे चूंकि इंक्रीज किया, यानी एक वेरिएबल में केवल चेंज आने से वो बढ़ गई. एक वेरिएबल का चेंज पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखाता है, यानी उस वेरिएबल में या तो वो इंक्रीज करे या तो वो डिक्रीज करे, वो जो चेंज होता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को दिखाता है. अगर हम इससे आगे बात करें, एक और डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है जिसे आप टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं. टोटल डिफरेंशिएशन यदि z इक्वल्स टू f ऑफ xy इस फंक्शन है और जब x और y दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होंगे, पार्शियल में मैं कह रहा था एक कांस्टेंट रह जाता है और दूसरे में चेंज आता है, लेकिन टोटल में मैं कह रहा हूं साइमल्टेनियसली चेंज, यानी दोनों वेरिएबल में एक साथ चेंज आए जिससे कि z भी चेंज हो जाए, यानी दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हैं, z भी उनके साथ साथ चेंज कर रहा है,
जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो ये टोटल डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब टोटल डिफरेंशिएशन को भी एग्जांपल से समझते हैं। ये एक वाटर टैंक है जो 500 लीटर का है, कोई कंपनी है जो वाटर टैंक बनाती है, 500 लीटर का टैंक उसने कुछ इस तरीके से बनाया, बट अगर उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया 1000 लीटर, 1000 लीटर का टैंक बनाने के लिए, तो क्या वो केवल उनकी हाइट को बढ़ाएंगे? नहीं, हाइट को केवल नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि टैंक अच्छा नहीं बनेगा, या उसकी ब्रिथ को बढ़ा करके और उसके सर्कमफेरेंस को बढ़ा देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, वो भी टैंक अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब उसकी सर्कमफेरेंस और उसकी हाइट दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी दोनों वेरिएबल एक साथ चेंज होंगे तो टैंक का वॉल्यूम भी साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम टोटल डिफरेंशिएशन को देख सकते हैं। क्योंकि हमने लिमिट को समझा, कंटिन्यूटी को समझा, डिफरेंशिएबिलिटी को समझा, डिफरेंशिएशन के टाइप्स को समझा, अब हम समझते हैं कि इस डिफरेंशिएशन का आखिर एप्लीकेशन क्या है। तो उसकी एप्लीकेशन पर चलते हैं स्टूडेंट। उसका एप्लीकेशन है रॉस थ्योरम। रॉस थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस इन 12th क्लास, 11th क्लास। इफ वी हैव रियल वैल्यूड फंक्शन fx व्हिच इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, व्हिच इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, f of a equals to f of b, then there exists a real number c between a and b, the derivative equals to zero, यानी उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और वो पॉइंट उस इंटरवल के कहीं बीच से आना चाहिए। ये एक रॉल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। यानी अगर रॉल्स थ्योरम को देखें तो फंक्शन या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, बट f dash c एक जगह पे जीरो जरूर आता है। अगर हम इसका रियल लाइफ में भी एग्जांपल देखें तो जैसे अभी COVID-19 चल रहा है, COVID-19 में भी मान लीजिए मेरे पास, मैंने एक ऐसा फंक्शन तैयार कर लिया कि एक बार मेरा जो कोविड था वो बढ़ना शुरू हुआ, फिर थोड़ी देर बाद क्योंकि वो घटना भी शुरू हो गया, तो एक टाइम पे ऐसी स्थिति जरूर आएगी उस इंटरवल में जब वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोविड पर देख सकते हैं। उसका भी मेरे पास एक एग्जांपल है जो फुल प्रूफ है, बट मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मैं उसे दूसरी जगह पे अभी अप्लाई करना चाहता हूँ। रोल्स की जो थ्योरम है स्टूडेंट, मैं दूसरी जगह पे अप्लाई करूंगा, दिस इज द आईसी इंजन। यानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वैसे आपको लगेगा कि मैकेनिकल का स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, आईटी का स्टूडेंट हो, उसके लिए ये इंजन को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इन आईसी इंजन, तो हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। ये मेरे पास एक रिंग पिस्टन है जो सिलेंडर होता है फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर। उसमें जैसे पेट्रोल आता है तो पेट्रोल हमेशा जो आता है वो डॉट की फॉर्म में आता है, विद एयर, एयर के साथ आता है। तो जैसे ही वहां पर स्पार्क होता है तो स्पार्क होते ही वहां जो एयर और पेट्रोल जब दोनों साथ साथ आते हैं तो स्पार्क होते ही वहां आग होती है, आग जल जाती है और थोड़ी देर बाद ही वो आग बंद हो जाती है, जैसे स्प्रे बंद हो जाता है। जैसे स्प्रे बंद होता है, आग बंद हो जाती है, तो वहां पर एक धुआं क्रिएट हो जाता है, यानी गैस बन जाती है और गैस से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि आपका पिस्टन मूव करना शुरू हो जाता है। अब ये जो पिस्टन मूव करता है, क्योंकि ये ऊपर से भी ओपन होता है और नीचे से भी ओपन होता है, इसका इंटरवल अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ए एक इंटरवल है, बी एक इंटरवल है, यानी ए बी इंटरवल के अंदर ही ये केवल मूव करता रहता है। जब इसकी जो क्रैंक है वो घूमती है तो क्रैंक हमेशा 720 एंगल तक घूमती है, यानी 360 प्लस 360, दो सर्किल लेता है फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन हमेशा एक सर्किल लेता है, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन दो सर्किल लेता है, 720 एंगल तक घूमता है। अभी आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। तो ए और बी इसका एक क्लोज इंटरवल है जिसमें ये मूव करता है, लेकिन दोनों तरफ से ये ओपन रहता है, ऊपर से भी ओपन रहता है क्योंकि स्प्रे की फॉर्म में प्रेशर आता है, स्प्रे की फॉर्म में ऑयल आता है पहले, फिर उस पर प्रेशर पड़ता है तो ऊपर से ओपन होता है, और नीचे से भी ओपन होता है क्योंकि नीचे वाला जो इंजन का ऑयल होता है इससे वो मूव करता है उसके अंदर, तो दोनों तरफ से ये ओपन रहता है। तो रॉल्स की थ्योरम कुछ उसी तरीके से अप्लाई हो रही है। कैसे? फंक्शन कंटिन्यूअसली मूव करता है क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए और बी है, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज आता है वो ओपन में आता है, ऊपर से भी खुला होता है, नीचे से भी खुला होता है, और ये उसी के बीच में मूव करता रहता है। दोनों एंड पर ऊपर भी और नीचे भी स्टूडेंट अगर आप देखें तो उसका जो एरिया होता है वो बराबर होता है बिल्कुल, यानी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी हमेशा बराबर ही होता है। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि इसके बीच में एक बार एक चांस ऐसा जरूर आता है जब एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो बंद हो जाता है, रेट ऑफ चेंज होना
बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो उसी तरीके से हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये हमारा एक इंजन है, इंजन में रॉस की थ्योरम को इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि जब इंजन चलता है तो एक बार इस पोजीशन में जरूर आता है। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी फिगर ली है स्टूडेंट, इस फिगर को भी ध्यान से देखिए। उसमें मैंने जैसे ही प्रेशर डाला तो जो क्रैंक है वो घूमना स्टार्ट हो गई। जैसे ही क्रैंक घूमी तो उसको मैंने थीटा कहा, यानी थीटा रोटेट होना शुरू हो गया। जैसे ही थीटा रोटेट हुआ तो जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एक स्पेस बनना स्टार्ट हो गया है जिसे मैं एक्स कह रहा हूँ। यानी थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एक्स भी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी एक्स थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसी तरीके से रोटेट होता है, घूमता रहता है, और जब उसको वो इस तरीके से घूमता है तो इस पर हम एक प्रेशर क्रिएट कर, प्रेशर देख सकते हैं कितना प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, यानी प्रेशर जो है वो थीटा का फंक्शन हो गया है। लेकिन अगर टोटल फोर्स देखिए कितना फोर्स वहां लगा हुआ है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ थीटा एंड इनटू एरिया ऑफ द जो हमारा सिलेंडर है, यानी उसके एरिया के बराबर फोर्स लगता है। तो जब हम इसका फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसको देख सकते हैं कैसे आएगा। बट अभी मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं कि कितना प्रेशर यहां लगने वाला है उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूं। अब स्टूडेंट मान लीजिए अभी तो मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल की, उसके बाद डीजल भी हो सकता है, डीजल के बाद अगर मैं बात करूं कोई गैस हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो अगर किसी को भी मैं अलग अलग एनालिसिस करना चाहूं तो मेरे पास बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ताकि मैं उसको यूज कर पाऊं और एक बेस्ट रिजल्ट निकाल पाऊं कि वो हाइड्रोजन पे बेस्ट दे रहा है या वो किसी गैस एनीथिंग गैस पे दे रहा है, एलपीजी पे दे रहा है या पेट्रोल के साथ दे रहा है, डीजल के साथ बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तो उसको मुझे कैलकुलेट करना है तो कहां पे कितना प्रेशर बेस्ट हो रहा है, लेकिन वो प्रेशर डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। यानी थीटा जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा है, थीटा जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, उसी तरीके से प्रेशर भी जा रहा है। तो मैंने आगे थोड़ा सा एक एनालिसिस किया है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये प्रेशर और क्रैंक एंगल में है, प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच में जब मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि मैंने आपको बताया 720 एंगल तक जाता है, 720 डिग्री तक घूमता है, तो मैंने 720 डिग्री को एनालिसिस कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, लेकिन आप तो म्यूट हैं बताएंगे नहीं, तो मैं ही चर्चा कर लेता हूं आपसे। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, क्या इतना बड़ा डेटा एनालिसिस करना किसी नॉर्मल व्यक्ति का काम है? नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए तो हमारे पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए। यानी इतना बड़ा डेटा ना तो कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट कैलकुलेट कर पाएगा और ना ही कोई नॉर्मल व्यक्ति कर पाएगा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा किसी दूसरे टूल के पास, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सेंसर यूज फॉर डेटा जनरेशन। यानी डेटा को जनरेट करने के लिए मुझे सेंसर्स की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने क्या किया, उस जो रिंग और पिस्टन की मैं बात कर रहा था उस पर मैंने मैप सेंसर नाम का एक सेंसर लगा दिया है और वो सेंसर इस डेटा को कैलकुलेट कर रहा है। क्योंकि मैं बार बार अलग अलग ऑयल डाल के नहीं देख सकता, मशीन चला के भी नहीं देख सकता, ये बहुत मुश्किल टास्क है। ये काम करने के लिए यहाँ सेंसर सिस्टम लगाया गया है और इस सेंसर सिस्टम को चलाने के लिए और बनाने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए मुझे उसका एक्सपर्ट चाहिए और वो एक्सपर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आएगा। यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जहां पर भी मैं सेंसर सिस्टम की बात कर रहा हूं ये उन्हीं की बात होगी, जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का नाम सबसे पहले आएगा। यानी इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए मैंने जो हेल्प ली है वो सेंसर की हेल्प ली है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की हेल्प ली है। एक और भी मैंने इसमें लगाया है, अगर आप देखें सेंसर, दूसरा सेंसर मैंने दिया है थर्मोकपल के नाम से आता है। थर्मोकपल अगर मैं बात करूं तो जो मैप सेंसर है, क्योंकि ये प्रेशर को कैलकुलेट करता है, लेकिन जो थर्मोकपल है वो टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है टेम्परेचर भी और उसके साथ साथ प्रेशर भी, या एनी अदर थिंग और भी मुझे चीजें अगर कैलकुलेट करनी है, तो एक साथ कैलकुलेट करना तो मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट अगर मुझे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करना हो, जो इतना बड़ा डेटा अभी मैंने आपको दिखाया था, तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पाइथन में या किसी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। और किसी लैंग्वेज पे जाने के लिए मुझे चाहिए कोई कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर एनी ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे प्रोग्रामिंग करनी आती हो। लेकिन प्रोग्रामिंग करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, गूगल पे सर्च करिए सब चीजें मिल जाती हैं। बट जो प्रोग्रामिंग जिस टूल पे हो रही है, यानी वो प्रोग्रामिंग सेट करना, वो बनाना, वो कहाँ चल रहा है, वो एक कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट का ही काम है,
ये उसी को करना पड़ेगा। तो एक मैंने प्रोग्रामिंग की है और यहाँ पर प्रेशर और एंगल में जो डेटा मैंने आपको दिखाया था तो वो कहाँ पे मैक्सिमम दिखाने वाला है प्रेशर, उसका एक रिजल्ट निकाला है। तो ये रिजल्ट है वो जहां पर मुझे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से हम सीएस और आईटी का स्टूडेंट ही इसको कर पाएगा, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज सबको नहीं आती है, और पाइथन आना तो दूसरी बात है क्योंकि गूगल पे सर्च करके कमांड सारी मिल जाती है, बट पाइथन बनाना, पाइथन जैसी लैंग्वेज को तैयार करना ये केवल सीएस और आईटी के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। अब आगे अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, क्योंकि मैंने बात की थी अभी आपसे कि ये तो मैंने एक सेंसर लगाया, लेकिन गाड़ी के इंजन लगने के बाद गाड़ी में तो बहुत जगह पे सेंसर लगने वाले हैं और मैं उनको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो एक न्यूरल नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और अगर मैं इस न्यूरल नेटवर्क की बात करूं तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट ही कर पाएगा, यानी अगर कोई इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है तो ही न्यूरल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर पाएगा और वो मुझे जल्दी से बता पाएगा कि क्या रिजल्ट्स बेस्ट आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी इन ब्रांच में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप करें उसके आप क्रिएशन तक जाएं, यानी लास्ट तक जाएं, कहां तक मुझे क्या मिलने वाला है, दिस इज द लास्ट, यानी एनालाइज करें और फिर क्रिएशन तक जाएं, बेसिक से जाएं बिल्कुल और लास्ट तक मुझे क्या लेना है, मुझे क्या समझना है, मुझे क्यों मैं इसे पढ़ रहा हूं, क्या कारण है, आपको वहां तक जाना पड़ेगा। तो ये मैंने जो एग्जांपल आपके सामने रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके सामने जो मैंने रखे, लेकिन एक स्लाइड जो अलग पार्ट है इसका, वो इसका नहीं है, वो एक अलग पार्ट है, उसको भी आपके सामने रखता हूँ। फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जब भी हम अपने घर में होते हैं तो फादर और मदर केवल कंप्यूटर को देखते ही ये मान लेते हैं, कंप्यूटर पे जैसा ही बच्चा बैठता है या फोन को यूज करता है, कि मैं इसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच दिलवाऊंगा और कंप्यूटर इंजीनियर बनाऊंगा, पहले से ये सोच लेते हैं, लेकिन हम गलत सोच रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को कुछ इस तरीके से करना चाहिए, यानी वो अलग अलग जगह पे किस किस तरीके से यूज करता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, जितनी भी डिजाइनिंग होती है, कार की डिजाइन, ट्रक की डिजाइन, कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल इंजीनियर कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन करता है पहले, उसके बाद ही वो बॉडी स्ट्रक्चर बाद में बनता है, पहले उसका डिजाइन होता है। तो यानी ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की, कि ये कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, लैपटॉप चलेगा ही नहीं, यदि मेरे पास सेंसर बेस्ड माउस या तो फिर मदरबोर्ड नहीं होगा, और ये काम करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर, तो उसके लिए हमारे पास, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये स्पेशली हम कह सकते हैं कि जिसको कोडिंग अच्छी आती है, किसी लैंग्वेज को डेवलप कर सकता है, कोई लैंग्वेज अच्छी बना सकता है, तो मैं उसे कहूंगा कि वो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, और वहां से ही आईटी ब्रांच भी निकल के आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी सिस्टम को इस तरीके से मार्केट में फैलाने के लिए, जिसे मैं आईओटी कहता हूं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी मुझे सारी थिंग्स इंटरनेट से जब आती हैं, इंटरनेट पर मेरा सब कुछ होता है काम, तो मैं उसे इंटरनेट ऑफ थिंग वाली ब्रांच कह देता हूं, आईओटी कह देता हूं। लेकिन जब मुझे सारा डेटा किसी सिस्टम में फीड करके दे दिया जाता है, तो उसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता हूं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं स्टूडेंट, जैसे आप अभी मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो एक कार, अब आपको क्या होता है कि जैसे ही आप मनी उस मशीन के अंदर डालते हैं तो आपको टोकन मिल जाता है, और टोकन कोई मैन आपको नहीं देता, वो मशीन दे रही है, यानी उसके अंदर पहले से फीडिंग हुई है कि इतने से इतने डिस्टेंस का इतना पैसा आपको देना है, तो उसके अंदर पूरी फीडिंग हो चुकी है। या हम रेलवे स्टेशन पर देखते हैं अपना वेट लेने के लिए, जैसे हम वहां वेट लेते हैं तो वेट में हम देख पाते हैं कि किसी का वेट 71 केजी है, 72 केजी है, 75 केजी है, बट कभी भी वो मशीन ऐसे नहीं बताती 71.25, 71.45, वो ऐसे नहीं बताती, क्योंकि उसके अंदर ऐसी फीडिंग नहीं हुई है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। और अगर मुझे पूरे डेटा का पूरी तरीके से एनालिसिस करना हो तो ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का, यानी उसे डेटा साइंटिस्ट देखते हैं। तो मेरी साइड से यही है, थैंक यू वेरी मच। नेहा मैम, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज रियली वंडरफुल लेक्चर, आई होप एवरी वन हैज एंजॉयड इट। एंड स्टूडेंट साइड, any questions any of the student want to ask, you can please raise your hand.
एनी स्टूडेंट वांट्स अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए इस तरीके के तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं. मेरे YouTube चैनल है dr.amitvats. तो आपको वहां पर सब्जेक्ट के भी लेक्चर मिलेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड लेक्चर भी मिल जाएंगे. dr.amitvats. ओके सर. सर यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट. ओके मैम. ओके. सो एनी क्वेश्चन एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क प्लीज रेज यू कैन रेज योर हैंड. In the meantime, let me tell something brief about sir, because sir is an assistant professor at ABS Group of Institutions. He is a coordinator of BTech first year, and he has 15 years of teaching experience. He has done his PhD from Rohilkhand University, and he has done his post graduation from Gurukul Kangri University. He has published many papers, and he is writing books also. His book for Engineering Mathematics 1 is in process. Thank you, sir. Thank you for such an informative session. It was very informative. And thank you, sir, for sparing time for us. Thank you so much, sir. You accepted our invitation, sir. And in future also, we want to have you once again in MET to discuss on such interesting topics, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Can we end the sessions, ma'am, now? Yes, I think we can end the sessions. Thank you everyone for joining. Thank you so much.